सेंस दीज आर थ्री बेसिक पिलर्स ऑफ ओप्स। ओप्स को आप डिफरेंट डिफरेंट नामों से जानते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, कभी कभी उस एस का भी लगा देते हैं लोग स्ट्रक्चर, कभी कभी उस एस से मतलब निकालते हैं सिस्टम। परंतु आप चाहे स्ट्रक्चर लिख दो, चाहे सिस्टम लिख दो, चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह दो, उसे कोई मतलब नहीं पड़ा, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नाम सुनना चाहता है, OOP की फुल फॉर्म सुनना चाहता है। ठीक, तो ये समझ में आ रहा है? यस, वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन फॉर यू दिस अजय कुमार सरोज। इस जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस और नो? यस और नो? यस? हाउ? नहीं मालूम आपको, कल ही पढ़ाया था। कैन यू प्लीज टेल मी राकेश, इज जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस और नो? व्हाई इट्स सो? वेरी गुड। इफ जावा वुड बी 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन वी विल कंसंट्रेट ओनली ऑन ऑब्जेक्ट्स। There is no need to concentrate on uppercase and lowercase and predefined methods and predefined data types and all that. Please sit down. ये कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने ये नहीं कराया था। क्लास ए बी सी इस तरह से कुछ कल कर बना रहे थे ना, कहाँ बना रहे थे? इसी में? अच्छा इसमें बनाया था। ओके, नहीं है भाई इसमें, क्लास ए और बी ही तो बनाया था बस, दैट्स इट। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट, हाँ यही है शायद। क्लास ए, क्लास बी, और क्लास बी ने क्लास ए को एक्सटेंड किया। ठीक, इट मीन्स ऑल वट एवर इज देयर टू क्लास ए, इट वुड बी अवेलेबल बाय डिफॉल्ट टू क्लास बी। व्हाई इट्स सो? बिकॉज दे आर हैविंग अ रिलेशनशिप, मीन्स इज अ रिलेशनशिप, दैट रिलेशनशिप इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। सो इन इनहेरिटेंस वट एवर वुड बी देयर in parent class, that would be available to its child class. Okay, child class reference, child class object, it is a right combination. Parent class reference, parent class object, it is also a right combination. Parent class reference, child class object, is it a right combination or not? आप बताएंगे संध्या। पेरेंट क्लास रेफरेंस चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, राइट कॉम्बिनेशन। कैन वी यूज चाइल्ड क्लास मेथड्स इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप? कैन वी यूज चाइल्ड क्लास मेथड्स इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप? I am intended to say that can we use child class specific method by this concept, parent class reference child class object? मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बता रहे हो? Can we use child class specific methods with this combination, parent class reference, child class object?
अब भी नहीं समझ में आया? ओमेगा बैच में जाओ, वहाँ इंग्लिश चल रही है शुरू से बिल्कुल। कैन का मतलब नहीं समझ में आता? ये मैंने नहीं पूछा, तभी कह रहा हूँ ओमेगा भी क्लास में जाके बैठो, वहाँ क्वेश्चन भी समझ में आएगा। कोई हार्ड वर्ड में मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा। कैन का मतलब नहीं मालूम, वी का मतलब नहीं मालूम, या यूज़ का मतलब नहीं मालूम, पेरेंट क्लास का मतलब नहीं मालूम, चाइल्ड क्लास का मतलब नहीं मालूम, मेथड का मतलब नहीं मालूम, ऐसा क्या है इन चार पांच शब्दों में जो आपको नहीं मालूम? जी सर। यार क्लास टूट गई, ऊपर कल बताया था, तो क्या हो? मैं तो यहीं पर ही हूँ। आपको नहीं समझ में आया संध्या? आसान सा था। अगर आप उस मुझसे ऐसी अपेक्षा रख रहे हैं कि मैं आपसे ऐसे पूछूं कि रेफरेंस टाइप उसका है पेरेंट का है और ऑब्जेक्ट टाइप पेरेंट का है, आई मीन टू से दैट चाइल्ड का है, तो क्या मैं चाइल्ड क्लास के मेथड को इस्तेमाल कर पाऊंगा या नहीं? मैं हमेशा हिंदी में नहीं बोलूंगा। बैठ जाओ। यस प्रविंद, चाइल्ड क्लास रेफरेंस पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट, इज इट अ राइट कॉम्बिनेशन? ओके, मैंने क्या पूछा एक बार रिपीट करना। मतलब सर जी आपने पूछा कि सर जैसे कि चाइल्ड क्लास रेफरेंस और पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट कर सकता है सर? यस सर। करके देखा था वीडियो, कितनी बार देखा? बस देख रहे थे सर। ये देखिए लिखा है यहाँ पर, पेरेंट क्लास रेफरेंस है ना, और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ये लिखा हुई है कुछ? इट कैन नॉट बी यस सर। आप तो यस कर रहे हो। नहीं सर, कंफ्यूजन सर। करा नहीं और ना ही वीडियो देखा। बैठ जाओ। ऐसे कुछ नहीं होगा हे प्रभु कहने से, करने से आएगा जो कुछ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रियूजिबिलिटी कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक। अब बात करते थे, हम कर रहे थे सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक, सिंगल इनहेरिटेंस की अगर हम बात करते हैं तो बिटवीन टू क्लासेस, मान लो एक क्लास मेरी ये है और एक क्लास मेरी ये है, इन दो क्लासेस के बीच में अगर इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट लग गया तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्या? सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक, मान लो ये क्लास ए है और ये क्लास बी है, ये क्लास बी है, इसे हम क्या कहेंगे? सिंगल इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। देखो इस एस की बहुत वैल्यू है, इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेगा क्या एक्सटेंड होता है या एक्सटेंड्स होता है। ठीक है, उस टाइम अगर, अभी तो खैर मैं आपको ताज़ा याद दिला रहा हूँ इसलिए आप एक्सटेंड्स बड़े जोर शोर से कह दे रहे हो, उस टाइम आप करते करते भूल जाते हो ये एक्सटेंड्स था या एक्सटेंड था, इसलिए जानबूझ के इस इन वर्ड्स पे मैं जोर दे रहा हूँ, कभी हो सकता है मेरी बातें याद आ जाएं उस टाइम, बता दो जी एक्सटेंड्स था। ठीक, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड वी कैन अचीव सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक, सिंगल इनहेरिटेंस, गेटिंग और नॉट? ये क्या है? ये है क्या? पेरेंट। ये है क्या? पेरेंट। ठीक, और ये क्या है? Child. ये चाइल्ड है। ठीक, ऐसा पॉसिबल है ना? यस yes. मगर इसी पेरेंट का क्या एक और चाइल्ड नहीं हो सकता? इसी पेरेंट का क्या एक और चाइल्ड नहीं हो सकता? हो सकता है। ये रहा, देखिएगा ये हमने करा बी एक्सटेंड्स ए। ओके,
अगर आपको एरो से ही इतनी हुआ है तो भाई लगाओ, हम एरो भी लगा देते हैं, टेंशन ना लो। ये लो, ये इसने इसको एक्सटेंड किया है, गेटिंग और नॉट? अब ठीक है, चलो अच्छा है, एरो लगवा दिया। इसने इसको एक्सटेंड किया है, अगर मैं इसको ऐसे और ऐसे कर दूं तो आप समझ में आ रहा है किसने किसको एक्सटेंड किया है? क्लियर है? ऐसा पॉसिबल है? इसका एक और चाइल्ड हो सकता है? कितने चाइल्ड हो सकते हैं? मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। क्लास डी, ये भी क्या है? चाइल्ड। और ये भी क्या है? चाइल्ड। ठीक, यहां तक किसी को कोई इशू? इस तरह का इनहेरिटेंस आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सिंगल इनहेरिटेंस। तो ये सिंगल हो गया कि भाई एक बार वन बाय वन है, ठीक। परंतु यही सिंगल इनहेरिटेंस कई सारे चाइल्ड के साथ या दो एक से ज़्यादा चाइल्ड के साथ हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका? वही वर्ड जो मैं कल आपको बताया नहीं था, लिखा नहीं था। इस तरह का इनहेरिटेंस आपका क्या कहलाएगा? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्या कहलाएगा जी? हायरार्किकल। हाँ, वो हायरार्की हो गई, हायरार्की, हायरार्की बन गई तो वो हो गया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। गेटिंग और नॉट? यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा, इन चाइल्ड क्लास के भी, अगर मान लो इन चाइल्ड क्लास के भी मैं करना चाहूँ कुछ, दिख तो रहा होगा, दिख रहा है? इस चाइल्ड क्लास का भी एक और चाइल्ड हो जाए, हो सकता है या नहीं हो सकता? इस चाइल्ड का भी एक और चाइल्ड हो जाए या दो चाइल्ड हो जाएं, हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो वो क्या कहलाएंगे? देखो, हायरार्की कहाँ कहाँ तक कहलाएगी? देखो, इसके दो चाइल्ड हो गए, इसका एक चाइल्ड हो गया, ठीक। तो इसकी हायरार्की जो कहलाएगी वो सिर्फ यहाँ तक कहलाएगी हायरार्की। ये इसकी हायरार्की है। गेटिंग अ नॉट? ये इसकी हायरार्की है, क्लास ए की हायरार्की यहाँ तक है, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे इसकी, ये इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया आपका क्या? मल्टी लेवल, मल्टी लेवल, लेवल बन गया ना। देखो, चाइल्ड पेरेंट एंड सुपर पेरेंट, या पेरेंट चाइल्ड एंड सुपर चाइल्ड, है ना भाई? उसको चाइल्ड का भी चाइल्ड हो गया ना, इसके चाइल्ड का चाइल्ड, और भी चाइल्ड हो सकते हैं नीचे। तो ये क्या कहलाएगा आपका? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है? और होंगे सारे के सारे किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड होंगे सारे ही एक्सटेंड्स कीवर्ड की हेल्प से। यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को कोई इश्यू है तो बताइएगा, कोई भी हो क्लास में, कोई भी। क्या बोल रहे हैं? क्लास सी और क्लास ए लिखा तो है एक्सटेंड्स कीवर्ड। क्लास सी इज अ चाइल्ड ऑफ क्लास ए, लिखा तो है साफ साफ। कहाँ नीचे? ये, चलो इनके भी नाम रख देते हैं ये लोग। नाम लिख के ही हुआ, बिना नाम लिख के नहीं हुआ। हे भगवान, ये लो, अब खुश हो? कितना समझ जाया करो। मल्टी लेवल, जब कभी भी लेवल की बात हो रही हो उस तरह का इनहेरिटेंस आपका मल्टी लेवल कहलाएगा। जैसे कि देखो, इससे एक लेवल नीचे, थोड़ा सा और इसको बोल्ड कर लेते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, इससे एक लेवल नीचे और फिर एक लेवल नीचे, लेवल बनते चले जा रहे हैं ना। और एक लेवल हो सकता था अगर उसका भी चाइल्ड होता, तो ये लेवल बन रहे हैं ना। समझ में आ रहा है? इसमें ये भी तो हो सकता है,
क्या? हाँ भाई साहब बात वही है, मल्टी लेवल। हे भगवान यार, पेरेंट चाइल्ड और फिर चाइल्ड, बात वही है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ दादा पर दादा हम नहीं करेंगे, यहाँ हम सिर्फ क्लास और चाइल्ड, मतलब पेरेंट और चाइल्ड की बात करेंगे। ठीक, ये भी आपका मल्टी लेवल हो गया, ये भी आपका मल्टी लेवल हो गया। सौरभ की खुशी के लिए इसमें भी नाम लिख देते हैं। ठीक, ये सब आपके क्या कहलाएंगे? मल्टी लेवल। यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को भी कोई इशू नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी समझ में आया? अब बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। हाँ, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस, अच्छा उससे पहले साइक्लिक, चलो बाद में कर लेंगे साइक्लिक भी, पहले मल्टीपल की बात करते हैं। क्लास, एक ये क्लास हो गई, एक ये क्लास हो गई और एक ये क्लास हो गई। ठीक, क्लियर है? ये हो गई आपकी क्लास ए। ठीक, ये हो गई क्लास बी और ये हो गई क्लास सी। ठीक, क्लास सी ने करा क्या? क्लास सी ने करा एक्सटेंड्स किसको? इसको भी और इसको भी, इन दोनों को क्या करा इसने? एक्सटेंड्स। इसको भी एक्सटेंड्स करा और इसको भी एक्सटेंड्स करा, मतलब कि कहने का ये है कि इस तरह से आपकी क्लास रही होगी, क्लास सी। ठीक, एक्सटेंड्स क्लास बी क्लास ए, और ये बॉडी स्टार्ट और ये बॉडी क्लोज, इस तरह से ही लग रहा है ना। इसने एक्सटेंड्स कर लिया इन दोनों को। क्या एक चाइल्ड के दो पेरेंट हो सकते हैं? इसे देख के ऐसा ही लग रहा है। तो इस तरह का इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को भी हो तो बताइएगा। अ चाइल्ड, अ सिंगल चाइल्ड कैन नॉट हैव मल्टीपल पेरेंट्स। यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ जी बोलेगा। ओके, तो इस तरह का इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरह का इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। नहीं, कहाँ पर है? किसने कहा? किसमें? सी प्लस प्लस में भी नहीं है। वैसे भी हम सी प्लस प्लस कर नहीं रहे हैं, वैसे भी हम सी प्लस प्लस कर नहीं रहे हैं। ठीक है, क्या करोगे पॉसिबल करके? पिक्चर में आया इसलिए क्योंकि सवालात इंटरव्यूअर ने, इंटरव्यूअर इंटरव्यूई को फंसाने के लिए बनाने की कोशिश करी, इसलिए आया पिक्चर में। हाँ, ये क्वेश्चन जैनवीन है। वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा, ये आपका जैनवीन क्वेश्चन है। ठीक, देखिएगा सी प्लस प्लस की अगर हम बात करते हैं तो सी प्लस प्लस में उसे हम इनहेरिटेंस नहीं कहते। सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने के बाद वो कॉन्सेप्ट अचीव किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर और क्लास का तो दोनों में बहुत फ़र्क हो जाता है। जब हम क्लास की बात करते हैं फिर ऑब्जेक्ट की बात हो जाती है, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नॉन ऑब्जेक्ट की बात होती है।
तो राहुल सर उस कॉन्सेप्ट को लेके कह रहे हैं ठीक। और भैया देखो मैंने सी प्लस प्लस पे भी काम किया है इसलिए मैं उसको इनहेरिटेंस नहीं कहता। गेटिंग और नॉट ठीक अरे भाई अभी तो कहा कि ये जेन्युइन क्वेश्चन है करा रहा हूँ। चाहते क्या हो वहीं आगे कराऊं क्या? हाँ इंटरफेस इज नॉट अ क्लास। अभी मैंने बताया स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नॉट अ क्लास। ऐसे यहाँ पर इंटरफेस इज ऑल्सो नॉट अ क्लास। इंटरफेस इज ऑल्सो नॉट नॉन एज ब्लू प्रिंट। वो भी ब्लू प्रिंट नहीं है वो केवल एस आर एस है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ठीक। यस क्योंकि अगर ये पॉसिबल है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। ऐसे स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस में है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता ठीक। आइएगा आप देखते हैं ध्यान से देखिएगा भाई सवालात करने वालों ध्यान से देखिएगा कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है ठीक। तभी आएगा अन्यथा नहीं आएगा। मान लो ये है हमारी क्लास ए। क्लास ए इसके पास मेथड है प्रिंट ठीक। प्रिंट नाम का इसके पास मेथड है और ये अपने प्रिंट मेथड में हाई प्रिंट कराता है ठीक। ये क्या है क्लास बी। इसके पास भी प्रिंट मेथड है और ये अपने प्रिंट मेथड में हेलो प्रिंट कराता है ठीक। क्लियर है? यहाँ ऐसे क्वेश्चन या सवालात करने की कोशिश मत करना सर कंपाइल टाइम एरर आएगी क्योंकि बॉडी नहीं बनाई। मुझे मालूम है ऐसे वाले भी हैं क्लास में ठीक है। यस क्लास सी। क्लास सी ने अगर मान लो ये वाली चीज़ कर ली क्या थोड़ा आगे से कर देते हैं एक्सटेंड्स क्लास ए कॉमा क्लास बी ठीक। इसने क्लास ए और क्लास बी को एक्सटेंड्स कर लिया अगर और जावा ने ऐसा अलाउ करा दिया होता अगर जावा ने ऐसा अलाउ करा दिया होता और क्लास सी ने एक ऑब्जेक्ट बनाया होता किस तरह से जैसे हम कल कर रहे थे याद है क्लास सी ओबीजे इज इक्वल टू न्यू क्लास सी इस तरह से बनाते थे याद है। अब ओबीजे की हेल्प से मैं करना चाहता हूँ प्रिंट मेथड को इस्तेमाल ठीक। कौन सा वाला प्रिंट मेथड इस्तेमाल हो क्लास नेम देके ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम यहाँ पे कहाँ पे क्लास नेम दूँ कहाँ पर दूँ यहाँ बताओ कहाँ दूँ। ये ऑब्जेक्ट से पहले ऐसे कर दूँ यूँ क्लास बी ऐसे कर दूँ मतलब इससे पहले ऐसा कल सिखाया था भाई मुझे ये बताओ ऐसा कल सिखाया था क्या आप ऐसे कह रहे हो क्या क्लास बी डॉट ऑब्जेक्ट ऐसे करके। मैं अभी ओवरराइडिंग करा ही नहीं रहा मैं तो सिर्फ इनहेरिटेंस करा रहा हूँ आप अपनी मर्जी से कुछ भी कॉन्सेप्ट लाते रहो मैं तो इनहेरिटेंस ही कराऊंगा। क्लास सी का ऑब्जेक्ट प्रिंट मेथड इस्तेमाल करना चाहता है अब बताइए कौन सा वाला प्रिंट मेथड इस्तेमाल हो हाई प्रिंट हो या हेलो प्रिंट हो। JVM will confuse. There would be ambiguity problem. Ambiguity problem आ जाएगी ठीक। There would be ambiguity problem. Confusion. Confusion. इन सब के नाम अभी मैं बताने वाला हूँ क्या क्या हैं ठीक। ये देखिएगा आपका ये डायमंड शेप है ना इस डायमंड को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो इससे मिलती जुलती शेप हो गई। ये देखो ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है मिलती जुलती हो गई।
इसलिए इसको डायमंड प्रॉब्लम भी कहा जाता है। हालांकि डायमंड प्रॉब्लम अगर एक्चुअल में बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये ऐसे, और इसके ऊपर एक और क्लास होती, वो क्लास का नाम भी दे देते हैं, हाइब्रिड नहीं हुआ, डायमंड प्रॉब्लम हुई, क्लास जेड, ठीक, और ये इस तरह से एक्सटेंड होते, ये इस तरह से एक्सटेंड होते, ठीक। यहाँ तक तो ये ठीक है, यहाँ तक तो ओके है, परंतु यहाँ ये ओके नहीं है, क्योंकि सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड हाइब्रिड आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मल्टीपल पेरेंट सिंगल चाइल्ड, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। इसीलिए इस प्रॉब्लम को कहा गया है डायमंड प्रॉब्लम, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, या कंपाइलर विल कंफ्यूज, या मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट, मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट, मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट, गेटिंग अ नॉट। एम्बिग्यूटी का एम्बिग्यूस बना है, एम्बिग्यूटी बना है एम्बिग्यूस से, और एम्बिग्यूटी का मतलब हिंदी में क्या होता है, कोई निश्चितता नहीं है, एम्बिग्यूस है, अतार्किक है, अनिश्चित है कि कौन से वाले को मैं इस्तेमाल करूं। शब्द इंग्लिश का जरूर है, अगर उसका हिंदी अर्थ पता होता तो आप ये सवाल नहीं पूछते, ठीक। तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम वुड बी देयर, कंपाइलर विल कंफ्यूज विच टाइप ऑफ मेन, सॉरी विच टाइप ऑफ प्रिंट मेथड आई एम जस्ट गोइंग टू यूज, ठीक। तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है आपका डायमंड प्रॉब्लम, दैट्स वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। देखिएगा, ये मेरा प्रोग्राम है, क्लास ए, क्लास बी ने एक्सटेंड करा क्लास ए को, और कॉमा देके उसने करा एक्सटेंड क्लास सी को, देखिएगा क्या कह रहा है, सिंटेक्स एरर, डिलीट दीज टोकन्स, सिंटेक्टिकल एरर हो गई ना, मना कर देगा, ऐसे नहीं है पॉसिबल, इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो आपको शायद ऐसे लग रहा हो यहाँ एक्सटेंड से लिख दूँ, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक्सटेंड से कीवर्ड एक क्लास के राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, क्लियर है। हाँ, एक बार को ऐसे तो हो सकता था, परंतु यहाँ पर इसने एरर दे दिया, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा, सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, क्लियर है। चलो, अब बचा आपका साइक्लिक इनहेरिटेंस, सेल्फ भी करा रहा हूँ, साइक्लिक इनहेरिटेंस, कुछ भी अगर नहीं आ रहा हो पूछ लेना भाई, देखो नहीं पूछोगे तो फिर मेरे को लगेगा आ गया आपको, क्लास ए, ठीक, ये तो क्लास ए हो गई, और इधर बना देते हैं क्लास बी, ठीक, क्लास बी एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को, क्लास बी ने एक्सटेंड कर लिया क्लास ए को, ठीक, और क्लास ए ने एक्सटेंड कर लिया क्लास बी को, कह रहे हैं आपस में कि भाई कुछ समय के लिए तू मेरा पिता बन जाना, कुछ समय के लिए मैं तेरा पिता बन जाऊंगा, कुछ समय के लिए तू मेरा चाइल्ड बन जाना, कुछ समय के लिए मैं तेरा चाइल्ड बन जाऊंगा, क्या ऐसे वाला हो सकता है, कहीं सुना है, तो इसे बोलते हैं हम साइक्लिक। देखो एक साइकिल बन रही है, साइकिल ये इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक साइकिल बन रही है, यानी कि ये यहाँ से गया फिर यहाँ आ गया और ये यहाँ से गया और यहाँ आ गया, इस तरह से एक साइकिल बन रही है। तो साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा, साइक्लिक इनहेरिटेंस पॉसिबल जावा में है नहीं, ठीक। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मान लो गलती से भी मैंने इसका अगर ऑब्जेक्ट बनाया होता, मान लो इसका ऑब्जेक्ट बना लिया होता बी,
तो इस सबसे पहले इसकी ड्यूटी क्या है, एक्सटेंड कीवर्ड के होने की वजह से ये अपने पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, है ना? yes, यानी कि क्लास ए। तो जैसे ही ये कॉल होगा इसकी ड्यूटी क्या है, अपने पेरेंट के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने जाना, यानी कि क्लास बी। और जैसे ही ये कॉल होगा तो इसको अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने जाना, और ये चलता रहेगा। इसीलिए साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। ऊपर वाला है, ऊपर वाला भैया मिस्त्री, ऊपर वाला, साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। क्लियर है, समझ में आया? क्यों नहीं है, हम जावा सीख रहे हैं इसलिए जावा का नाम ले रहे हैं, बस सच देखा जाए तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। हम जावा सीख रहे हैं भाई, जावा की बुक लिखी रहती है ना, आप कोई सी भी जावा की बुक उठा के देखना, उसमें लिखा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। कई बार तो जब मैं पहली बार मैंने भी पढ़ा, मैं भी सोचता था इन्होंने लिखा है इन जावा, इसका मतलब कहीं और होगा जरूर, पर होता होता कहीं नहीं। ठीक है, यस, बात कर रहे थे सेल्फ इनहेरिटेंस की। मिस्त्री ऊपर वाली क्लास है ये तो, हाँ ऊपर वाली। सेल्फ इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। सेल्फ इनहेरिटेंस मीन्स ये हो गई आपकी क्लास ए, क्लास ए एक्सटेंड्स क्लास ए, क्लास ए ने क्लास ए को ही एक्सटेंड कर लिया, ऐसा जावा के अंदर पॉसिबल नहीं है। कह रहे हैं कि हम आप ही का पेरेंट बन जाओ, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है सबसे पहले जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो अगर कहीं चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप है तो उसके पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इसका पेरेंट ये खुद ही है, इसी का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो फिर दोबारा इसी का पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और ये होता चला जाएगा और स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगी। इसलिए इस तरह का भी पॉसिबल नहीं है जावा में। यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी को भी? हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया, सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, साइक्लिक इनहेरिटेंस हो गया, सेल्फ इनहेरिटेंस हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया, और कोई सा बचा? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस करते हैं चलो। एक आध सवाल पूछ लूं, ये बता चुका वैसे मैं, रिकॉर्ड हो चुका, अब आपको बताना था। क्योंकि जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के बनने के साथ इंस्टेंस लाइफ साइकिल चल जाती है, और इंस्टेंस लाइफ साइकिल चलने का पहला नियम है एक्सटेंड कीवर्ड की वजह से उसके पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होगा जो कि डिफॉल्ट रहेगा। वो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट जैसे ही कॉल होगा तो उसके खुद के पेरेंट का भी ऑब्जेक्ट कॉल होगा जो कि साइक्लिक की होने की वजह से वो चाइल्ड है, और जैसे ही चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर यानी कि ऑब्जेक्ट कॉल होगा फिर अगेन उसके पेरेंट का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने भी उसको किसको अपने पेरेंट को एक्सटेंड किया है, और ये साइकिल बार बार चलती रहेगी, स्टैक मेरा ओवरफ्लो हो जाएगा, इस वजह से साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। अब बचा है एक आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या समझते हो आप? हिंदी में हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिला जुला, मिक्स, ऐसे ही होता है ना। जहाँ पर भी एक से ज़्यादा तरह के इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट दिख जाएं, वो आपका कहलाएगा क्या? हाइब्रिड। देखिएगा, हाँ जी, ये देखिएगा, यहाँ आपका दिख रहा है कौन सा? अभी मैंने इसको इसी को इस डायग्राम को इस तरह से कर दिया ऐसे, हाँ भाई ख़त्म करने वाला हूँ मुझे भी लग रही है, ऐसे ठीक। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। आप देखिएगा
इस तरह के इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में आपको कितने तरह का इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट दिख रहा है ये देखिएगा। ये देखिएगा, ये आपका ये कौन सा इनहेरिटेंस है? सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक, ये कौन सा इनहेरिटेंस है? मल्टी लेवल। ठीक, और ये कौन सा इनहेरिटेंस है? एक से ज्यादा इनहेरिटेंस दिख गए ना, तो इसे क्या कहेंगे? हायरार्किकल इनहेरिटेंस, सॉरी हाइब्रिड, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाँ, हाइब्रिड बोला था ना, मिला जुला, जहाँ एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट आपको दिख जाएं, लगे कि यार यहाँ तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी लग रहा है और ये वाला भी लग रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इंटरव्यूअर पूछ सकता है, इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस पॉसिबल इन जावा? यस। नो कौन बोल रहा है? वो तो रहा है, सामने हुआ तो अभी आपके, वो तो मैंने मल्टीपल वाले को मना किया है, साइक्लिक मना किया है, सेल्फ मना किया है। हाँ, हो तो रहा है, देखो नहीं हो रहा, हाइब्रिड तो पॉसिबल है। हाँ वैसे वो तो मैंने बना दिया, तीन चार दिन से दिख जाए आपको, चक्कर आ रहे हैं। चलो भाई यहीं तक कर देते हैं खत्म। हाँ।